हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता जो रसोई के सामानों से बन जाता है और बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 1 कप सूजी ली है और ये सूजी बारीक वाली है। अब हम लेंगे 1 कप गेहूँ का आटा, जिससे हम चपाती बनाते हैं वही आटा है ये। 1 चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 3 चम्मच दही, और दही गाइस इस रेसिपी में ज़रूरी है, दही से ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है। 1 टमाटो है जो मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं हरी मिर्च 1 ही लिए। ये पत्ता गोभी है जिसको मैंने कस लिए है बारीक बारीक, बिल्कुल छोटे वाले से कसी है। हरा धनिया कट करके डाल दिया है। अब मैं डालूँ स्वाद अनुसार नमक। अब मैं डालूंगी नींबू, तो गाइस नींबू को मैं निचोड़ के डाल दूंगी। नींबू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और नींबू नहीं हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो इसमें। अब मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, इन सबको मैं मिला लूँगी। अच्छे से मिलाएंगे पहले इसको, उसके बाद में इसमें पानी डालेंगे। तो अभी मिल गया अच्छे से। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप पानी, अभी 1 कप ही डालूंगी, उसके बाद में 1 कप बाद में डालूंगी। तो आप मेरा पूरा वीडियो को देखिए, एक साथ में पानी नहीं डालना है, 2 कप पानी डालना है। 1 कप हमारी सूजी है, 1 कप हमारा गेहूं का आटा है, इसलिए एक और कप में डाल रही हूँ। 1 कप मैंने पहले डाल दिया है। अब गाइस इसको भी हम अच्छे से मिलाएंगे। अभी इसमें बाकी मसाला बाद में डालना है। बैटर हमारा इस तरीके से हमको तैयार करना है पहले, और एक ही साइड में घुमाना है इस तरीके से, हमको वापस नहीं लाना चम्मच को, एक तरफ ही घुमाना है। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है ये। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे से नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, एकदम कुरकुरा जैसा। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ, 10 मिनट में फूल जाएगा अच्छे से, इसलिए 10 मिनट हो गए गाइस। और देखिए पहले से काफ़ी फूल गया है। और इसमें आप इनो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इनो नहीं डाला है, मैंने दही डाला है, इससे ही नाश्ता बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये बैटर तैयार है। अब मैं इसमें मसाला डालूंगी। तो गाइस सबसे पहले मैं डाल रही हूँ उबले हुए आलू है 2। गाइस आलू को मोटा मोटा ही रखे, ज़्यादा बारीक नहीं करे। अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच से भी थोड़ा कम काला नमक, 1 चम्मच शक्कर जिसे हम चीनी भी बोलते हैं, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी तीनों को भी। और गाइस सरसों का ऑयल नहीं डाला इसमें, चाहे आप घी डाल सकते हो 1 चम्मच। इधर मैंने तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया, ये अप्पम का तवा है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक एक बूंद तेल डालूंगी सभी के अंदर, ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें। और ये पूरा नाश्ता 2 चम्मच तेल लगता है इसमें, 2 भी पूरा नहीं लगता है। इस तरीके से हम हमारा बैटर डाल देंगे इसके अंदर। मैंने मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली है, मैंने मोटी कुटी हुई मिर्ची डाल दी है, और हरी मिर्ची डाली है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप यदि ज़्यादा तीखा खाते हो तो मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हो। इस तरीके के से अब सभी में डाल देंगे बैटर को। गाइस थोड़ा कमी ज़्यादा ऊपर तक नहीं लाए क्योंकि ये अभी फूलेगा। और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है और हेल्दी भी है, और ये घर के सामानों से ही बन जाता है, इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं लगते। हेल्दी इसलिए कि इसमें तेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, हम कितना सा तेल डाले इसमें नाम मात्र। अभी एक तरफ से अच्छे से सिक गए, तो हम इस तरीके से इनको पलट देंगे। ये देखिए इतना अच्छा कलर आया और अच्छे से सिक भी गए, तो सभी को इस तरीके से पलट लूँगी। और इसे हम नारियल चटनी, टमाटो सॉस, ये हरे धनिया की चटनी से भी खा सकते हैं, वैसे चटपटा रहता है, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और चाय के साथ या नाश्ते में कैसे भी हम इसको नाश्ता कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ एक एक बूंद तेल ऊपर से। तो गैस मैं सभी में इस तरीके से मैं तेल डाल दूंगी, और इसको मैं करीब 2 मिनट के लिए ऐसे ढक्कन पैक कर दूंगी।
अब मैं देखती हूँ इसको वापस, दो मिनट हो गए, तो देखिए कितना अच्छा नाश्ता बना है हमारा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको निकालने के बाद में मैं वापस ऐसे एक एक बूंद तेल डालूँगी और वापस बैटर डालूँगी, तो पूरा नाश्ता मैंने इस तरीके से बना लिया है। तो देखिए कितना अच्छा नाश्ता बना है, टेस्टी है, हेल्दी है और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता है। और इसे मैं टमाटो सॉस के साथ सर्व करूँगी। आप किस कोई सी भी चटनी से इसे खा सकते हो। देख सकते हो आप कितना अच्छा नाश्ता बना है और बहुत कम तेल में भी बन गया है। और गाइस आपके पास ज़्यादा वेजिटेबल्स है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, मटर गाजर वगैरह भी। मैंने आपको एक फोड़ के भी दिखा देती हूँ कितना अच्छे से बना है अंदर से। आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं मेरी रेसिपी कैसी बनी है। बाय बाय, टेक केयर।